हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ऐप लेके आ चुका हूँ जिस ऐप से आप सभी प्रश्नों के सही उत्तर निकाल पाएंगे। तो इस ऐप को बनाया है गूगल ने। गूगल आप जानते हैं कि बहुत ही बड़ा कंपनी है, तो उन्होंने ये ऐप बनाया और ये ऐप बेहद ही सुंदर है। इस ऐप से आप किसी भी क्वेश्चन का फ़ोटो निकाल के आप सवाल का आंसर ले सकते हैं, साथ ही में आप वॉइस से भी ले सकते हैं, और साथ ही में इससे और भी बहुत कुछ फीचर्स हैं। ये पूरे वेब में आपके क्वेश्चन का जितना भी आंसर रहता है सभी का आंसर सबको दे देता है। तो चलिए चलते प्ले स्टोर में, आपको डाउनलोड करते हैं, आपको बताते हैं कैसे इसका आंसर आपको निकालना है। तो हम लोग हमारे फ़ोन में आ चुके हैं और आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि कैसे आपको सोक्रेटिक ऐप को डाउनलोड करना है। तो सबसे जाएंगे प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे सोक्रेटिक बाय गूगल। आप लोग देख सकते हैं आ चुका है, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। अभी इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉलिंग हो रहा है, बहुत ही छोटा ऐप है और डाउनलोड करने में भी कोई भी परेशानी नहीं आने वाला, क्योंकि छोटा ऐप है। आप लोग देख सकते हैं अभी इंस्टॉल भी हो रहा है, ये मतलब बहुत ही आसान ऐप है। और अगर आपको ऐसे ऐप्स देखना है जिससे जो ऐप आपके काम में आए, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आता है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऐप इंस्टॉल हो चुका है, इसको हम लोग ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपको हमें पहले साइन इन करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग साइन इन करते हैं। मेरे पास बहुत सारे अकाउंट्स हैं, मैं किसी एक से साइन इन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा साइन इन हो चुका है। तो इस ऐप में आप कैसे कैसे आंसर्स निकाल सकते हैं मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं एक सर्च बार है, तो सर्च बार में अगर आप क्लिक करते हैं तो आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इसका मैं आप लोगों को डेमो दिखाऊंगा। अब इसको हम लोग बैक करते हैं तो आप फोटो से भी कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पे आपको लेट्स गो जो दिखा रहा है, लेट्स गो में आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे अगर लेट्स गो में क्लिक करते हैं, हम इसको अलाउ कर देते हैं, तो आप किसी भी क्वेश्चन का अगर आप एक स्क्रीनशॉट लेते हैं और स्क्रीन मतलब फोटो क्लिक करने के बाद अगर आप उसको सर्च करते हैं तो आपका आंसर मिल जाएगा। साथ ही में आप वॉइस से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर लेट्स गो करते हैं, आपको पहले परमिशन को अलाउ करना है और आप यहाँ पे कुछ भी बात करके आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका डेमो मैं आप लोगों को बाद में दूंगा, अभी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाता हूँ कैसे आपको आंसर्स निकालना है। तो यहाँ पे आप थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ट्राई एन एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तीन तरह के सवाल हैं, ठीक है। तीन सवाल में आप लोग देख रहे हैं, ये एक सवाल है, ये एक सवाल है, ये एक सवाल है और एक मैथ्स है, ठीक है। तो मुझे आप लोग देखिए कि मुझे शायद इस मैथ्स का आंसर पता नहीं है, तो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। आपको एक बारी में एक ही क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। फिर हम लोग गो पे क्लिक करेंगे। अभी क्या होगा, इसका पूरे वेब में जितने भी आंसर्स हैं आपको सभी आंसर्स दिखाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आप लोग स्टेप्स टू सॉल्व भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिखा रहा है, एक्स का वैल्यू है 2 और एक्स का वैल्यू है 1, मतलब एक्स का दो वैल्यू आएगा क्योंकि ये मिडिल टर्म में निकलेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये चैप्टर, यहाँ पे आप लोग देखिए कि कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये पूरा प्रोसेस आपको दिखाएगा, ठीक है, सामने से आपको पूरा प्रोसेस मिलेगा। फैक्टर में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कैसे इसको करना है, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, मतलब पूरा ब्रेक डाउन करके आपको दे देगा, ठीक है। एक्सप्लेनर मतलब अगर आपको जानना है कि आंसर तो आ चुका है पर अगर नेक्स्ट टाइम मुझे आंसर नहीं दिखना है पर कैसे इसका फॉर्मूला है, कैसे इसको करना है, तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनर भी मिल जाएगा। एक्सप्लेनर से आप पढ़ के इसका आंसर निकाल सकते हैं। रिसोर्सेस में देखिए कि आप कौन कहाँ कहाँ से इसको आंसर्स को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्विजलेट है, पूरे वेब में जितने भी इस फॉर्मूला का मतलब इस क्वेश्चन का जितने भी आंसर्स अवेलेबल है सभी का आंसर्स आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग सब कुछ देख सकते हैं। एक्सप्लेनर में भी सिर्फ एक टाइप का नहीं है, अगर आपके दूसरे टाइप का एक्सप्लेनर चाहिए वो भी आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चंस कुछ भी हो सकता है, जैसे देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मुझे वेब से एक पता चला एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, माइनस 3x हमारा था यहाँ पे प्लस 3x है।
चलिए आपको हम समझते हैं कि -3 का आप आंसर पता चल चुका है आपको, और अभी आपको +3 का भी आंसर चाहिए, या फिर आपके क्वेश्चन में +3 का भी कुछ है। जैसे यहाँ पे x²-3x+2=0 मैथवे नाम का एक वेबसाइट है, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैथवे पे हम लोग जब क्लिक करते हैं, इसको हम जस्ट वंस या फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको पूरा आंसर आ जाएगा। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा स्टेप्स के साथ आंसर आ चुका है। अगर आपको समझिए कि वहाँ पे एक्सप्लेनर में इसका आंसर नहीं मिलता है, तब आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं टैप फॉर मोर स्टेप्स में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टेप्स के साथ आंसर आ चुका है। अभी तो ये तो हो गया एक टाइप का क्वेश्चन। अभी हम एग्जाम्पल में मैं आप लोगों को और भी दिखाता हूँ कि अगर आपका कोई टेक्स्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि ये हो गया, यहाँ पे आप लोग अगर दो सेलेक्ट करते हो तो आंसर ना आने का चांसेस ज़्यादा है। तो हम सिंगल को सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे गो करेंगे। अभी अगर आपको सिर्फ इसका आंसर चाहिए, इसका भी आंसर सोक्रेटिक के पास है, तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। आपको बायजूस से आंसर मिलेगा, साथ में आपको एक एक्सप्लेनर भी मिल जाएगा, और जितने भी वेबसाइट्स हैं उनसे आपको आंसर्स भी मिल जाएगा। साथ ही में आपको यूट्यूब के वीडियोस भी सजेस्ट करेंगे ये, अगर आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ कि कैसे आपको ये करना है। मेरे पास एक किताब है, और किताब में ये देख सकते हैं, ये है ये किताब, और किताब में मुझे कुछ क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन बैंक है क्लास 12 का, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो कैसे मैं इसको निकालूंगा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैं सबसे पहले एक फ़ोटो क्लिक कर लूँगा, तो मैंने यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर लिया है, और अभी मैं एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे, क्रॉप करेंगे, पूरा यहाँ तक क्रॉप करके इसको अच्छे से सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर कोई दूसरा रहता है तो इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है सोक्रेटिक को। तो यहाँ पे हम लोग गो कर देंगे। गो करने के बाद यहाँ पे देखिए, उसने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लिया है, और इसका आंसर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आ चुका है टॉप मैच। सरल स्टडी से यूट्यूब से आप लोग, अगर आपको देखना है वीडियो तो वीडियो से भी आप लोग पता कर सकते हैं। साथ ही में टॉपर के, जिकिया के, सार्थक के, कनेक्ट कुरा, सभी से आपको, और ब्रेनली से भी आपको आंसर मिल जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर ये इसका आंसर सही भी है या फिर ऐसे ही दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सरल स्टडी में क्लिक करते हैं, इसको जस्ट वंस कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरे प्रोसेस के साथ इसमें आंसर दिया हुआ है कि कैसे क्या कुछ होता है। तो अगर आपका कोई भी डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट में, इसका आप आंसर निकाल सकते हैं। अभी मैंने आपको फोटो वाला दिखा दिया, अभी सर्च वाला दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं सर्च में क्लिक करता हूँ, AG+BCL5। तो इसका आंसर मुझे पता नहीं है, मैं समझता हूँ, तो इसको हम लोग सर्च करेंगे, सेंड में क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आंसर निकल रहा है, और यहाँ पे इसका आंसर आ चुका है, AG+PCL5=AGCL+PCL3। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। साथ ही में और भी बहुत सारे जो वेबसाइट्स हैं उनसे भी आपको आंसर मिल जाएगा। ये हो गया सर्च से। अभी हम लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो वॉइस से होता है, वो वॉइस से भी सर्च कर लेंगे। वॉइस में यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, AG+PCL5। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेम आंसर आ रहा है जो हमने सर्च किया था वही। तो 3 तरह से आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही में ऐसे ही ज्ञान से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए।